मैं जैसे आप लोग के साथ बात करना स्टार्ट कर दूंगी ये लोग चुप हो जाएंगे। आप समोसा सुबह, आप समोसा शाम को रोज खाओगे। मैंने बोला था मैं रिकॉर्ड करती, मैं बच्चों को लेके जाती हूँ। आधी जैसे घर आओगे मैं तुमको पकड़ के बच्चों वाली ड्यूटी में डाल दूंगी। Welcome to another beautiful episode of Debina Decodes. ये लोग बहुत एक ही चीज बोले जा रहे थे, कौन लोग? गुरमी एंड रोमांच। उन लोगों का टॉपिक दो ही टॉपिक पे घूम रहा था, तो मैंने सोचा कोई नहीं, मैं जैसे आप लोगों के साथ बात करना स्टार्ट कर दूंगी ये लोग चुप हो जाएंगे। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। रोमांच every day, कम से कम it's a fact scientifically proven that half morning में half समोसा शाम को रोज खाओगे। मुझे भी समोसे खाए हुए बहुत टाइम हो गया। इससे साइंटिफिकली प्रूवन भाई कि अगर हाफ समोसा सुबह सुबह और हाफ समोसा शाम खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? पूरा तो सुनता नहीं है, इसीलिए मैं तुझे एक बात बताऊं। तला भुना बिल्कुल मत खाओ। मैं अभी ब्लड टेस्ट कराया था, मतलब पहले जब कराया था 6-8 महीना पहले, हाँ, तो मेरा थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया था, डॉक्टर समीर नहीं बोला था। अभी मैंने कराया 6-7 दिन पहले, हाँ, इतना लेवल पे आ गया, मतलब वो बॉर्डर लाइन से भी और नीचे भयंकर। जनता ये जानना चाहती है कि आपने क्या किया। मैं ये हेल्दी खाना खा रहा हूँ जो लेके आ रहा हूँ, और वही सब खा रहा हूँ। ये देखिए इनका हेल्दी खाना। गुरु आज सुबह ही वापस आए हैं चंडीगढ़ से। मैंने सोचा था कि हम लोग जाएंगे, गुरु को रिसीव करेंगे एयरपोर्ट से, पर गुरु ने हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया, खुद ही घर आ गए। मैंने बोला था मैं रिकॉर्ड करती, मैं बच्चों को लेके जाती, उन्होंने बोला टाइम ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। तो ठीक है, तो आज संडे है और हमने सोचा। मैंने चंडीगढ़ में शूट कंप्लीट कर लिया। वाह, अच्छा आपको बता दो पापा क्या करते हैं। So it's a wrap for Gurmeet Chaudhary. मैंने बोला 6 महीना तुमने बहुत काम कर लिया है, और बच्चों को संभालना इतना डिफिकल्ट काम है, जो नहीं करते वो लोग नहीं जानते। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि और 6 मैं चाहती हूँ तुम जिंदगी भर शूट करो। आदि जैसे घर आओगे मैं तुमको पकड़ के बच्चों वाली ड्यूटी में डाल दूंगी। मैं अकेले कर करके मैं थक गई। अभी मैंने सोचा कि गुरु को लेके जाऊंगी। आज हम लोग जा रहे हैं एक प्ले एरिया में प्ले करने के लिए। फर्स्ट टाइम पापा विल प्ले विद द बेबीज। नो नानी नो मामा विल ओनली रिकॉर्ड। तो आज गुरु पापा और रोमांच चाचू जा रहे हैं दोनों बच्चों के साथ प्ले करने। बच्चे कैसे प्ले करते हैं ये तो आपने बहुत बार देखा है, लेकिन आज पापा कैसे प्ले करते हैं बच्चों के साथ वो आज देखने लायक है। A few moments later, suddenly plan बन गया zero. पापा कैसे प्ले करते हैं बच्चों के साथ वो आज देखने लायक है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि जिस प्ले एरिया में जा रहे थे वहाँ पे हो रहा है बर्थडे पार्टी, इसलिए हम लोगों ने suddenly plan चेंज करके जा रहे बनाना लीफ। वैसे तो ये हो गए हैं बिजी, और इस रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग नहीं हैं, और जितने भी अभी घंटे की आवाज सुनते बैठे हैं जब तक हम हैं। बोलिए अभी अगर मैं तुमको बोलूं कि रिबिशा का कपड़ा गीला हो गया है, क्या तुम डायपर चेंज करा के ना हो? अच्छे तो हैं वैसे।
तो लियाना को यहाँ से कुछ नहीं खाना, उसको जो मैं घर से अपना खाना लेकर आया था उसको वो खाना है। Liana loves, boiled chana and all these things. तो उसको बहुत अच्छा लगा रोमांच का हेल्थी फूड देखा। एक्चुअली गुरु पता है कुछ बच्चों का टेस्ट लिया पता है रोमांच और गुरु जापान के जो बच्चे हैं उन लोगों को पूछा कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है। कुछ बच्चों ने बोला कुछ बच्चों क्या चाहिए तुमको सूप। तो कुछ बच्चों ने बोला केक्स पेस्ट्रीज चॉकलेट्स और जापानीज बच्चों ने बोला उन लोगों का फेवरेट फूड है ब्रोकली नोड़ी शीट। तो बोला मतलब बचपन से सिखाया जाता है ईटिंग क्लीन इज द राइट थिंग टू डू। रोमांच कहाँ से खाना सारा लियाना को पसंद आ गया। नहीं नहीं मैं ये कर रहा हूँ उसका रेसिपी बता देना तभी हम वही बना के खिलाएंगे लियाना को। चना चाट ही खाना है तो हाँ। खुश क्या है बोलने दे बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। हाँ